भी तकलीफ है वो सुख पूर्वक बैठ सकते हैं। जिस आसन में बैठे दोनों हाथ घुटनों पे रखें, नितंबों को एड़ियों पर बैठे। एक ऐसा आसन है जो खाने के पश्चात भी किया जा सकता है, किसी भी समय इस आसन को कर सकते हैं। आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को साइड में लगाएंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रांग आसन, घुटनों के सहारे इस तरह से दोनों हाथों को नितंब के ऊपर रखे, दोनों हाथों को सांस भरेंगे, दोनों पैर एक संजय मिलेंगे, घुटनों में थोड़ा सा फासला, सांस भरेंगे और पीछे को पीछे की ओर लेकर जाएं। सबसे पुरानी पद्धति है, ऋषियों मुनियों ने पतंजलि योग ने इसको अष्टांग योग नाम दिया है। तो डेली करना चाहिए योग को, अगर डेली किया जाता है तो शरीर में कई तरह के विकार शरीर से बाहर निकल जाते हैं, कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। भारी बीमारियां जिनको ऑपरेशन से दूर किया जाता है वो योग करने से दूर हो जाती है। लोग जैसे हमारे मैडम करवा रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं थी, योग करने से उनकी आवाज़ आ गई। भ्रामरी प्राणायाम जैसे करने से मानसिक तनाव दूर होता है, अवसाद जैसी बीमारियां दूर होती है। आया गया है उसको प्रतिदिन सभी लोग अपने घर पर करें, अपने परिवारजनों के साथ करें, मोहल्ले वाले के साथ करें, जिससे इस आयोजन की उपलब्धि हो। और वैसे योग भारत का प्राचीन एक विज्ञान है जिसको आयुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे देश में रामदेव जी ने बहुत अथक प्रयास से इसको पुनर्जीवित किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति फैलाई, और हम सभी आम जन एक प्रत्येक नागरिक ये कास्ट और प्राइड से बहुत ऊपर है, जाति संप्रदाय से बहुत बाहर है, और पूरे संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ये बहुत ही एक सुअवसर है जिसको सभी लोग अपने अपने घरों में स्वयं करें और सबको फैलाएं। पंचायत वाना के सरपंच श्रीमान दुर्गेश जी से आज योग दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ सर, किस तरह से मनाया गया? आज 21 जून को जो इंटरनेशनल योग दिवस का आयोजन हमारे ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें सभी गांव के लोग, बच्चे और स्कूल के सभी अध्यापक गण पधारे और बड़े ही उत्सुकता के साथ इसका आयोजन किया गया, जिसका लाभ सभी गांववासियों ने लिया, सभी गांववासियों को मिला और अपने जीवन में ये हमेशा ये करते रहेंगे, जिससे रोगों का निवारण होगा और अपना सभी को शारीरिक मानसिक संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज पर्यावरण दिवस के रूप में इसको विशेष रूप से मनाया गया, जिसमें ग्रामवासियों का सहयोग सराहनीय रहा। ग्रामवासियों के साथ में पीओ क्षेत्र के सभी विद्यालय, जो जिसमें निजी विद्यालय भी सम्मिलित है, के शिक्षकों ने इसमें सहभागित्व किया। और इसके अंदर श्री अनिल कुमार जी की का द्वारा, जो कि शारीरिक शिक्षक है इस विद्यालय के, उन्होंने अनेक प्रकार की योग क्रियाओं की जानकारी सभी को दी और सभी ने इसको स्वयं करके अनुभव किया कि इससे किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक एकता को बनाया जा सकता है। आज हमें विशेष रूप से श्री फणीश्वर जी गाछा का सहयोग रहा, जिसमें उन्होंने सभी को सूर्य नमस्कार करवाया। इसमें लगभग आज 50 विद्यार्थी और गांव के निवासी और इसके अलावा पीओ क्षेत्र के सभी शिक्षक उपस्थित थे। बेटा, आज आपके विद्यालय में योग दिवस मनाया गया, आपको कैसा लगा? अच्छा। क्या क्या बताया गया आपको योग के बारे में? घर पे जाके बताया। अच्छा, और आगे भी करोगे? हाँ। आपको पता है इस बार योग दिवस की थीम क्या है? वृक्षारोपण। आपने कभी वृक्षारोपण किया है? यस। कहाँ पर? हमारे विद्यालय में और हमारे खेतों में और हमारे गांव में। अच्छा। नियम का पालन करने के लिए हमारा मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो निश्चित रूप से नियम का पालन धारणा है। धारणा अर्थात लक्ष्य। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब ने, आप सब जो है बधाई के बाद में अपने अपना लक्ष्य बनाया है, जो आपने सबने जो अपने अपने स्थान जो बनाया है, ये लक्ष्य का जो हमारे सामने आज एक उदाहरण दिख रहा है।
हमारे प्रधानाचार्य महोदय का जो है लक्ष्य, आज वो प्रधानाचार्य के पद हमारे सभी शिक्षा के साथी बने, उन्होंने एक लक्ष्य रखा, एक लक्ष्य बनकर एक बहुत अच्छा एक पुनित कर्म यज्ञ में जो अपना जो है कर्म के जो है चिन्हों पर चल रहे हैं, ये अपना अपना लक्ष्य। अभी हमारे जगदीश जी जिनका जो है प्रथम लेवल में हुआ है, उनका भी एक लक्ष्य था, बता रहे थे अभी कि मेरा 104 के कोई अंक आ जाएंगे लगभग, लेकिन बताया कि नहीं 110 अंक है। ये एक लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन को जो एकाग्रचित करने के लिए ये हमारा योग की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर उसके बाद में मन बताया, अब मैं बहुत चिंतन करता हूँ इस विषय पर कि मन कितना चिंतित चंचल है। मन हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी का मन इस परिक्षेत्र से कहीं न कहीं बाहर भ्रमित हो रहा होगा, ये निश्चित है। मन बड़ा मतलब मुनियों ने इस प्रकार के योग के मन को हम बाहर बाहर जाए उसको किस प्रकार से वापस उस स्थान पर लाए, एकाग्रचित होने के लिए उस मन को एकाग्रित करने के लिए, ये हमारे योग का एक संसाधन है। योग का दूसरा ईश्वर से तारतम्य, अगर तपस्या करते हैं ऋषि मुनि कहते हैं हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, कैसे ऐसी वाल्मीकि मुनि का जो है उनके ऊपर वाल्मीकि का वंदित हो गया, तपस्या करते हैं हजारों वर्ष तपस्या मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए और ईश्वर का तारतम्य के लिए, ये एक अच्छा संसाधन है। सभी गहरी सांस खींचके ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें प्रणाम। गहरी सांस खींचें फिर धीरे धीरे छोड़ें, ये प्राणायाम कहलाता है। कमर सीधी रखो बेटा सब, कमर सीधी सीना तना हुआ, गहरी सांस खींचें अंदर, प्राणायाम एक स्वर से सांस खींचेंगे जो स्वर चल रहा हो उससे, फिर दूसरी तरफ से नाक बंद करेंगे उधर से निकालेंगे, पहले ऐसे ले हाथ को ऐसे अंगूठे से स्वर को दबाएं, गहरी सांस खींचें, योग दिवस मनाया गया। योग मनाने के लिए समस्त स्टाफ एकत्रित हुआ और पंकज चौबीसा जी के नेतृत्व में सबने योग किया। योग का कार्यक्रम में जो भाग लिया और अपने स्वास्थ्य और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उन्नति के लिए जो भाग लिया उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। विश्व योग दिवस पर आज गुलाब से सकता और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी चिकित्सा कर्मियों ने योग दिवस मनाया। अष्टांग योग के जो 8 नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसको ध्यान में रखते हुए आज सभी ने योग किया।
योग के लिए जो आज की थीम है योगा फॉर हार्ट, तो हृदय को स्वस्थ जब अपन रखेंगे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन है कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग और अपंगता का अभाव नहीं। तो केवल अपने में कोई रोग नहीं है या अपंग नहीं है तो पूर्ण स्वस्थ नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी अपने को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और जब तक पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए इसी थीम को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय परिवार ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक साइकिल रैली का आयोजन किया था, और समय समय पर हम नशा मुक्ति कन्या भ्रूण हत्या रैलियों का भी आयोजन करते हैं। और अभी पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा चिकित्सालय परिवार ने दो दो पौधे को गोद लिया है, इनको हम वृक्ष बनाकर बढ़िया करेंगे, और आने वाले समय में बारिश के दिनों में हम और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।